मत्स्य अवतार। आज हम जानते हैं विष्णु जी के प्रथम अवतार मत्स्य के बारे में। युगों पहले हयग्रीव नामक एक राक्षस ने चारों वेदों का अपहरण करके उन्हें कैद कर लिया था। तब पृथ्वी पर से ज्ञान लुप्त होने लगा और असुरी शक्तियां बढ़ने लगी। तब महादेव ने पृथ्वी को जलमग्न करने का निर्णय लिया। नई पृथ्वी की स्थापना हेतु एक मनुष्य का होना आवश्यक था, इसलिए भगवान विष्णु जी ने मत्स्य का अवतार लिया। एक समय की बात है, मनु नामक एक ऋषि एक बार नदी के किनारे गए, तब उन्हें एक छोटी सी मछली मिली। हे मुनिवर, दया कीजिए, इस बड़े से जलाशय में कद छोटा होने के कारण बड़े जीवों से मुझे भय लगता है, मुझे शरण दीजिए प्रभु। अवश्य। ऋषि मनु ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया और अपनी कुटिया की ओर ले गए। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि मछली बड़ी हो चुकी है। हे ऋषिवर, आपका कमंडल अब मुझे छोटा पड़ रहा है, आप मुझे सागर में ले जाइए। मनु ऋषि उसे एक सागर में ले गए। जब वो मछली सागर में गई तो अत्यंत ही विशाल रूप उसने धारण कर लिया। आप कोई साधारण मत्स्य नहीं लगती मुझे, आप कौन हो? मनु, थोड़े समय पश्चात यहाँ एक बड़ा सा जल प्रवाह आएगा और समस्त पृथ्वी उसमें डूब जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी, इस धरती के सारे पशु पक्षी के जोड़े को और सारे पेड़ पौधे के बीज को लेकर एक नाव में बैठ जाओ। मैं अपने मत्स्य परिवार में तुम्हें सुमेरु पर्वत की ओर ले जाऊंगा, वहां से एक नई सृष्टि प्रारंभ होगी। जैसी आपकी आज्ञा नारायण। विष्णु जी की आज्ञा के अनुसार ही मनु ने कार्य किया और मत्स्य अवतार में विष्णु जी उन्हें सुमेरु पर्वत की ओर ले गए। तत्पश्चात विष्णु जी मत्स्य अवतार में ही हयग्रीव के पास गए और उसका वध कर दिया और चारों वेद कैद से मुक्त हो गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।